हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था, 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90 किया। 90 आपने? 80 से 75 के बीच में थी। अच्छा, करंट और जीएस के बात की जाए, किस तरीके के सवाल थे? सर, करंट में 2020 के करंट के दो क्वेश्चन थे। एक तो खुशहाली रिपोर्ट पूछी गई थी, खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। एक दांडी यात्रा जब शुरू हुई थी उसके स्टार्टिंग से ही कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, एक ये क्वेश्चन था। और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। हाँ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। एक मैंग्रोव था, मैग्रोव वन कहाँ, कौन कौन मैग्रोव वन से कौन कौन सी चीज़ें संबंधित हैं, तो उनके बारे में दे रखी थी, मतलब ये कौन कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन थे, उसमें से एक सही था। तीन क्वेश्चन थे वैसे, इसमें से तीन थे पर याद नहीं आ रहे हैं। संविधान से जुड़ा हुआ है? संविधान से था, एक था, एक उसमें दिया था जो पर्यावरण की जो सुरक्षा करते हैं तो वो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये किसमें दिया गया, आर्टिकल किसमें दिया गया? अच्छा, जो है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हुआ था 1931 में जो है कराची में, उसका कौन मतलब वो था अध्यक्षता किसने की है? हाँ, भीमराव अम्बेडकर ने जो है। अच्छा, ये था जो हमारी वो उपग्रह जो लॉन्च करते हैं वो कौन से किसके द्वारा किए जाते हैं, तो उसमें चार ऑप्शन थे वो थे। अच्छा, कंप्यूटर से तो थे। क्या सवाल थे? एक तो यही था जो हमें मतलब मैच करने थे, एक तो ये था कि जो कंप्यूटर को हैक करता है ना वो उनमें से कौन सा प्रोग्राम नहीं है जो हैक करता है, तो उनमें ऑप्शन दे रखे थे। एक फुल फॉर्म भी आई थी, HIIT की पता नहीं कौन सी थी, एक फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। एक फुल फॉर्म पूछा गया UNO वगैरह से? हाँ, एक हाँ UNO से एक था। हाँ, उसमें से जो UNO में मतलब UNO के जो सदस्य मतलब उनके अंदर आते हैं ना, जो टाइप्स आते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र परिषद हो गया हमारा, महासभा हो गई, तो उनमें पांच चार ऑप्शन दिए, तो उनमें से कौन सा नहीं है जो इसके अंदर आता है, UNO के अंदर जो कार्य करता है वो नहीं है वो उसमें नहीं। हाँ, ऐसा था, एक गलत था। संस्था नहीं? हाँ, कौन सी संस्था नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक। फिजिक्स में तो आया था, उसमें मतलब एक आंकिक मान निकालने थे, फॉर्मूले से निकालते हैं ना वो वाले थे, जैसे नीचे जीरो रखे कोई सवाल था उसमें आंकिक मान निकालने थे कि कितनी पावर होंगी, एक सवाल तो वो था फिजिक्स में। और एक बायो में था, क्या पूछा था, हाँ क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है ऐसे आयरन मैग्नीशियम ऐसे ऑप्शन भी दिए थे, मतलब घुमाने वाले थे, ऑप्शन भी घुमाने वाले थे वैसे बायो से। हाँ, बायो से एक और एक और कोई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ? इकोनॉमी से था एक क्वेश्चन, उसमें पूछा था मतलब करंट का ही क्वेश्चन था, 2019 की करंट का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, उससे पूछा था इकोनॉमी के में क्वेश्चन। हमारी सरकारी जॉब न्यूज की करंट अफेयर की बुक है, उसमें भी ऐसे करंट अफेयर से जुड़े सवालों को हमने संकलित किया है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। इसके साथ ही साथ जो हमारी ई बुक है करंट अफेयर की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बताइए मैथ में? मैथ में सर परसेंटेज से था, और SI CSE भी क्वेश्चन थे, और आपके उसमें से थे, और नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन थे, ज़्यादातर नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आए थे। बोर्ड मास में से? बोर्ड मास में से एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन अल्जेब्रा? मेंसुरेशन से एक था। अच्छा, क्या सवाल याद नहीं आ रहा, पर मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। अल्जेब्रा से एक था, आयत वाला क्वेश्चन दे रखा था, उसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिकोण विधि का। हाँ था, एक था ऐसे साइन थीटा नहीं, एक्स अनुपात वाई का मान निकालना है, तो एक्स हाँ एक्स एक्स साइन एक्स बराबर 1/√2 है, तो साइन वाई बराबर 1/2 है, तो इसमें बताइए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। और एक ये भी था कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 59 का मान निकालना, तो इसमें मान निकालना था किसका मान कितना होगा। LCM SCF थे, हाँ क्वेश्चन थे ऐसे घंटियों का, मतलब कोई घंटियाँ इतनी क्रम पर बजती हैं, तो उनका ऐसे LCM निकाल के करते हैं इन सवालों को। तो प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से दो सवाल थे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ, उनमें से दो सवाल थे। हाँ, ऐसे दिया था कि अगर हम किसी चीज़ को 150 रुपये में बेचते हैं तो उस पर हमें उसे बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है, यदि हम 15% का हानि हो तो इसे कितने पर बेचेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग में काउंटिंग से ज़्यादा थे, मतलब कितने त्रिभुज हैं कितने वर्ग हैं इनसे ज़्यादा रिलेट थे। और उसके भी थे कथन और निष्कर्ष होते हैं, उनमें से दो क्वेश्चन थे। क्या सवाल थे? हाँ, एक याद है कि मतलब कि सारी जो सारे राज्य जो हैं वह कम चाय उत्पादित करते हैं, लेकिन सब जो चाय उत्पादित करते हैं क्या वो कम राज्य, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था,
ऐसे आए थे, उनमें से निष्कर्ष निकालने थे, खतर निकालने थे। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग हाँ कोडिंग डिकोडिंग में थे। कितने सवाल थे? चार सवाल होंगे आई थिंक, चार सवाल थे। किस तरीके के सवाल थे? ऐसा था कि ए का रिलेशन ए जेड है, अनुपात में बी का रिलेशन, मतलब उनके उल्टे क्रम में दे रखे थे, तो उसमें जे का पूछा था कि जे का उल्टा क्या होता है। और इसमें से आपके जंबलिंग वगैरह आया था, वेन डायग्राम जंबलिंग? हाँ। क्या किस तरह के सवाल? उसमें दो मतलब ऐसे दे रखे थे कि मतलब कारों का अनुपात इतना दिया है, 2004 में कितने, 2002 2001 और 2004 में किस किस की कितनी कारों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया है, किस सन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, ऐसे क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम में आई थिंक एक क्वेश्चन था उसमें दिया था रायपुर छत्तीसगढ़ और बिहार, इनका क्या क्रम बनेगा, तो बिहार तो अलग हो, बिहार एक राज्य हो गए, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य हो गए, रायपुर उनके अंदर आ जाएगा, ये था। ब्लड रिलेशन एक भी नहीं था उससे, एक भी सवाल एक भी नहीं था उससे। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट से आया था क्या? हाँ एक था। किस तरीके का सवाल था? मतलब ऐसे था कि ए बी सी डी पांच जो स्टूडेंट हैं वो एक क्रम में बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, ए के ऊपर सी बैठा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में किस तरह के सवाल आए, क्या क्या सवाल आए, कैंडिडेट से हमने जाना था, तो यही जानकारी सामने आई कि करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, इसके साथ ही साथ हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, इसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी संबंधित सवाल इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज कर सकते हैं, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी वो बुक आ चुकी है। इसके अलावा जो लोग हमारे ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।